पाकिस्तान के पूरी अर्ज से बुखला जो है वो पाकिस्तान की आला अदालत और आइन के साथ जो है वो यकजहती का इजहार करने पाकिस्तान की आला अदालत के बाहर पेश हुए हैं और बहुत अहम है क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुकूमत वक्त ने इम्पोर्टेड हुकूमत ने वो पैसे अरसाल करने थे जिनसे पाकिस्तान के अंदर पंजाब के अंदर आम इंतखाबात का अमल जो है वो आगे बढ़े, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुकूमत वक्त आइन शिकनी जो है उसके ऊपर तुले हुए हैं। वो चाहते हैं कि आइन शिकनी हो, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम कमजोर हो, वो चाहते हैं कि अदलिया पाकिस्तान की आला अदालत की जो रिट है उसको ना माना जाए। तो पैसे अगर अरसाल नहीं हुए तो हुकूमत वक्त खसूसन शहबाज शरीफ जो है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे और तौहीन अदालत की सजा पहले एक साबिक वजीर आजम को मिल चुकी है। हमारी पाकिस्तान की आला अदालत से गुजारिश है कि आइन शिकनों को और तौहीन अदालत करने वालों को आप कैफर किरदार तक पहुंचाएं, लेकिन अगर मावरा आइन इकदाम उठाए गए, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के अमल को ना आगे बढ़ाया गया और आला अदालत के तहरीर नामे को मनोअन तस्लीम ना किया गया तो पाकिस्तान की तुलर से बुकला जो है वो जोश और जज्बे के साथ भरपूर तरीके से पाकिस्तान की आला अदालत के साथ यकजहती का इजहार करने यहाँ पहुँचेंगे। हम जानते हैं कि अपने हक को कैसे लेना है, हम जानते हैं कि आइन की पासदारी कैसे करनी है, हम जानते हैं कि जमहूरियत का तहफ्फुज कैसे करना है और पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के अंदर नज़ीर मौजूद है कि जब भी बुकला ने तहरीक चलाई, जब भी बुकला ने आइन की बालादस्ती के नारे को बुलंद किया है तो जमहूरियत को तकवीत मिली है, पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान की आवाम जीते हैं। तो इंशाल्लाह अगर मावरा आइन इकदाम होते रहे तो आप पाकिस्तान के बुकला को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक बुकला को इस शारा दस्तूर के ऊपर पाएंगे, तो जमहूरी निज़ाम जो है उसको मजबूत करने के लिए निकलेंगे और आपके इस मैसेज के जरिए मैं पाकिस्तान के जितने भी बुकला हैं उनको दावत देती हूँ कि आइए अपने आइन का दिफा करें, आइए जमहूरियत का दिफा कीजिए, आइए पाकिस्तान की आला अदालत के मोहतरम चीफ जस्टिस और जजेस जो हैं उनको तहफ़ दीजिए। आइन शिकन पार्लियामान के जरिए उनके ऊपर हमला आवर हो रहे हैं, मुकन्ना के मेंबरान उनके ऊपर हमला आवर हो रहे हैं, आइन शिकनी को रोकिए और जमहूरियत का दिफा कीजिए। मैम एक बात बता दें कि ये चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी कहा है कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है, तो उससे आप क्या, जिस तरह आप अली अमीन गंडापुर साहब भी गिरफ्तार हुए हैं तो इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये जो सारी गिरफ्तारियां और केसेस हैं ये सियासी हैं, ये सियासी रविश है, ये गैर आइनी है, ये गैर कानूनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने मेंबरान को, वर्कर्स और सपोर्टर्स को उठाया गया, हमें हरासा किया गया, हमें नजरबंद किया गया, हमें बरहना किया गया, हमें धमकियां दी गई, लेकिन इनको वाज़े मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान, इमरान खान की टीम के मेंबरान आपकी इन धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डर रहे, आप हमारे अजम को मजबूत कर रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं कि मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम कमजोर हो रहा है और हम पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। हमारे लीडर ने हमें सिखाया है, हमें बताया है, हमें सिखा दिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाकर आप खौफ के बुत को तोड़ते हैं, हमने खौफ के बुत को तोड़कर हकीकी आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ाने का आज़म किया है। कोई गिरफ्तारी, कोई किस्म का तशद्दुद, किसी किस्म का हरासा करना, कोई लाकानूनियत हमें हमारे मकसद से, हमारी तहरीक से नहीं हटा सकते। अच्छा मैडम, लास्ट में ये बताएं कि कल हमने देखा सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस साहब ने, एफ जज साहब ने पार्लियामेंट में आइन की किताब को भी लहराया और उसी आइन की आज जब पामाली होते हुए नजर भी आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जज साहब जिन्होंने आइन की किताब को लहराया मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस है, पाकिस्तान की आवाम की उनसे बहुत सारी तवक्कोआत है और हम सिर्फ आज़ादी राय का इजहार करते हैं जिसका मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ने इत्तफाक किया है कि आज़ादी राय का इजहार बुनियादी इंसानी हक है। हम सिर्फ कहना चाहते हैं कि आइन शिकनों की महफिल में मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस और आइन के मुहाफिज को देखकर पाकिस्तान की आवाम को अफसोस है, आपके दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी आइन शिकन बैठे, आप आइन शिकनों की महफिल के अंदर आइन की किताब को लहरा रहे थे, क्या आइन शिकनों ने आपको ये नहीं बताया कि वो इस आइन को मानते नहीं हैं, ये नहीं बताया कि आपके बरादर जजेस के ऊपर हमला आवर हुए हैं, आप ही के इदारे की आज़ादी के ऊपर वो खंजर खोद रहे हैं, आपके वहाँ मौजूदगी होने के बाद उन्होंने उस कानून को पास करवाया था जिससे आपका इदारा जो है उसकी आज़ादी जो है वो ख़त्म हो गई। तो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस
के साथ अफसोस करना चाहते हैं कि आपने आइन शिकनों की महफिल में बैठकर अपने मनसब जो है उसको मुतनाज़ा बना दिया। आपका मनसब बहुत बुलंद है, वो आइन शिकन आपके मनसब के काबिल नहीं थे। उस पार्लियामान के अंदर, नामुकम्मल पार्लियामान के अंदर, जहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात के ऊपर मुनज़्ज़म हमला हो रहा है, इस कशीदगी के माहौल के अंदर आप वहाँ, आपका वहाँ जाने का मकसद क्या है? अगर गोल्डन जुबली मनानी है आइन शिकनों ने, तो आइन पर अमल दरामद कराएं, गोल्डन जुबली ना मनाएं, आइन के ऊपर अमल दरामद कराएं। वो आपकी तहरीर नामे को रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं और आप उनको ये एजाज बख्श रहे हैं कि आइन शिकनों की महफिल में किताब को लहरा रहे हैं, तो अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और आई थिंक PDM ने मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा बनाया है, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस को एक ऐसे सियासी माहौल के अंदर पहुंचा है जिसके अंदर उनको नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा, या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला, शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया, एक ही इल्जाम पे दो केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार, भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको, यार ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।